भारत में 1932 के बाद यानी ठीक 88 वर्षों बाद एक रिकॉर्ड टूटा है और ये रिकॉर्ड उत्तराखंड के नाम दर्ज हुआ है। क्या है ये रिकॉर्ड, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के मामले में एक समृद्ध राज्य माना जाता है। आसान सी भाषा में कहूं तो बायोडायवर्सिटी के मामले में उत्तराखंड राजा आदमी है। चारों तरफ फैली हरियाली, खूबसूरत नदी घाटियां, देवदार और चीड़ जैसे हिमालय वृक्षों के घने जंगल उत्तराखंड की जैव विविधता को बनाने का काम करते हैं और यहां पर बहुत से जीव जंतु, कीट पतंगे अपना डेरा डाले हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे तितलियों की। जी हाँ, वही प्यारी प्यारी रंग बिरंगी तितलियां जिनके पीछे हम बचपन में भागा करते थे। और जूं तो हम गढ़वाली मजी पोत्री बोल दूं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, उत्तराखंड में तितलियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग रंग की, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रजातियों की। इस प्रकार से बहुत सी तितलियां यहां पर पाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत की सबसे सुंदर तितली होने के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो ये कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड की राजकीय तितली कॉमन पीकॉक है। जी हाँ, कॉमन पीकॉक भारत की सबसे सुंदर तितली मानी जाती है और मोर जैसा रंग की वजह से ही इसे कॉमन पीकॉक कहा जाता है और यह 1000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। लेकिन यह भी जान लीजिए कि भारत की सबसे सुंदर तितली के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी तितली भी उत्तराखंड में पाई गई है। इस तितली का नाम गोल्डन बर्डरिंग है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, भारत की सबसे सुंदर तितली कौन है? कॉमन पीकॉक, जो कि क्या है, उत्तराखंड की राजकीय तितली है। और भारत की सबसे बड़ी तितली भी कहाँ पाई गई? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये तितली पाई गई। तो आइए अब जानते हैं भारत की सबसे बड़ी तितली के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए, गोल्डन बर्डविंग का वैज्ञानिक नाम ट्रोडस आइकस है। क्या नाम है? ट्रोडस आइकस। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई। तो कहां पाई गई? पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में। इसके पंखों की लंबाई कितनी थी? 194 मिलीमीटर। और ये क्या है? मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई। अब यहां पर आप समझ रहे हैं, 194 मिलीमीटर जितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है उससे भी बड़ी, यानी आप लगा सकते हैं कितनी बड़ी तितली है। तो कहां पाई गई? उत्तराखंड में पाई गई, जो कि क्या है, भारत की सबसे बड़ी तितली है। तो देखिए, नर तितली मादा तितली से छोटी होती है। 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलोंग के वानखड़ तितली संग्रहालय में मौजूद है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात थी इनकी खोज की, अब बात करते हैं खोजा किसने। तो देखिए, एक त्रैमासिक समाचार पत्र है बायोनॉट्स। कौन सा? बायोनॉट्स। इसमें हाल ही में क्या हुआ, गोल्डन बर्डविंग और 24 अन्य तितलियों के नए मापों यानी मेजरमेंट की जानकारी दी गई। अब देखिए, बायोनॉट्स में तितलियों के मेजरमेंट के बारे में ये जो जानकारी है, ये किसके अध्ययन के आधार पर जारी की गई? यह जानकारी उत्तराखंड के भीमताल स्थित बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के पीटर स्मिट्सैक और यूनान विश्वविद्यालय के चीनी विज्ञान अकादमी के श्री स्टीपांति के अध्ययन के आधार पर दी गई। यानी दो लोगों के अध्ययन के आधार पर क्या करा गया, ये जो बटरफ्लाइज हैं इनका मेजरमेंट दिया गया। किसमें? बायोनॉट्स में। कौन कौन दो लोग? पीटर स्मिट्सैक और श्री स्टीपांति। पीटर स्मिट्सैक कौन है? बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के हैं। और बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर कहाँ है? यह आपका भीमताल में। अब देखिए, इन दो लोगों के अध्ययन के आधार पर यानी तितलियों के माप में गोल्डन बर्डविंग के पंखों के माप 194 मिलीमीटर मापी गई। इस प्रकार से क्या हो गया, ठीक 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली कौन बन गई? गोल्डन बर्डविंग। यह गढ़वाल के उत्तर पूर्व राज्य, ताइवान और चीन आदि देशों में भी पाई जाती है और साथ ही साथ यह मई से अगस्त तक पाई जाती है। तो दोस्तों, ये तो बात थी भारत की सबसे बड़ी तितली के बारे में। लेकिन इससे पहले 1932 में भारत की सबसे बड़ी तितली दर्ज की गई थी। यह दक्षिणी बर्डविंग यानी साउथ बर्डविंग प्रजाति से संबंधित थी। यानी आसान भाषा में बोलूं, साउथ बर्डविंग ही क्या थी, पहले भारत की सबसे बड़ी तितली थी। इसका वैज्ञानिक नाम ट्वाइडर माइनास है। क्या है? ट्वाइडर माइनास। और उसके पंखों की लंबाई 140 से 190 मिलीमीटर होती है। तो आप देख सकते हैं, जो ट्वाइडर माइनास है, ये क्या है, जो गोल्डन बर्डविंग है, इससे क्या है, 4 मिलीमीटर छोटी है। इस प्रकार से क्या, जो गोल्डन बर्डविंग है वो भारत की सबसे बड़ी तितली हो चुकी है। अब बात करते हैं तितलियों को मापा कैसे जाता है। तो देखिए, तितलियां लेपिडॉप्टेरा वर्ग में आती हैं। और देखिए, कीटों के वर्गीकरण के लिए लेपिडॉप्टेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लिनियस ने किया था। बचपन में आपने पढ़ा है जीवों का वर्गीकरण। तो जो तितलियां हैं ये लेपिडॉप्टेरा वर्ग में आती हैं। और लेपिडॉप्टेरा के अध्ययन में उपयोग किया जाने वाला पैमाना पंखों के फैलाव की माप है और तितलियों को उनके पंखों के आधार पर ऊपरी छोर तक मापा जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे बड़ी तितली के बारे में संपूर्ण जानकारी। कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।